तो चलिए स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रेकर ऐप की एक और नई वीडियो में तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको भी पोषण ट्रेकर ऐप से किसी भी लाभार्थी को डिलीट करना है तो आप उसको आसानी से पोषण ट्रेकर ऐप से डिलीट कर सकते हैं देखिए इसके लिए तरीका क्या है तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसको आप सभी आंगनबाड़ी सेविका ध्यान से देखिएगा ठीक है जैसे कि हम लोग पोषण ट्रेकर ऐप के जिस अपडेट पे अभी काम कर रहे हैं वो हम लोगों का अपडेट है एटीन पॉइंट ज़ीरो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो अपडेट है वो 18.0 पॉइंट जीरो नए डैशबोर्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं ये आप सभी को भी पता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पुराना वाला वर्जन है जैसे कि 15.2.1 इस पुराने वाले वर्जन को हमें डाउनलोड करना है डाउनलोड कैसे करना है चलिए उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ आप लोग आसानी से इस ओल्ड वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो ओल्ड वर्जन है इसका फिफ्टीन पॉइंट टू पॉइंट वन इसको हमने डाउनलोड कर रखा है क्रोम ब्राउज़र से तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप लोग डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे ठीक है इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको 18.0 का भी जो अपडेट है उसको भी आप लोगों को डाउनलोड करना है क्योंकि तो इस ऐप पे काम करने के बाद आपको फिर से 18.0 पे भी आना है जिसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक और लिंक दे दूंगा जहाँ से आप लोग 18.0 का जो न्यू अपडेट है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे क्योंकि प्ले स्टोर में आप लोगों का ये जो 18.0 का वर्जन है वो नहीं दिखा रहा है ठीक है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे जो पोषण ट्रेकर ऐप आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम लोग सिंपली यहाँ से ऑनइंस्टॉल करेंगे यहाँ पे हम लोग ऑन इंस्टॉल वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको पोषण ट्रेकर ऐप का जो न्यू वर्जन है एटीन पॉइंट जीरो इसको अन इंस्टॉल कर देना है ठीक है ऑनइंस्टॉल करने के बाद जो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ पुराना वाला वर्जन उसको आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ठीक है यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोग जैसे ही इंस्टॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पुराना वाला वर्जन आपके फ़ोन में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा जैसे कि अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है आप लोग थोड़ा देर वेट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ओल्ड वर्जन है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है तो सिंपली अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं ओपन जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से पॉपअप खुल के आएगा तो आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करते जाना है तो इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डॉन वाला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे ठीक है तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप लोग सिंपली यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग जिस भाषा में यहाँ पे क्वेश्चन ट्रैकर ऐप यूज़ करना चाहते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है जो इसका वर्जन है वो फिफ्टीन पॉइंट टू पॉइंट वन वाला जो ओल्ड वर्जन है यहाँ पे आ चुका है सिंपली आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉग इन कर लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ओल्ड वर्जन है यहाँ पे खुल के आ चुका है अब हमको सिंपली करना क्या है कि जिस भी लाभार्थी को हमें डिलीट करना है उस कैटेगरी को हमें सेलेक्ट करना है जैसे कि मैं यहाँ पे थ्री ईयर से सिक्स ईयर वाले बच्चे की कैटेगरी में आ जाता हूँ यहाँ पे हमें एक बच्चे को डिलीट करना है तो यहाँ पर हम उसको ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर है वो बच्चा जिसको हमें डिलीट करना है तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे वो बच्चे का नाम आ चुका है ठीक है उसके बाद हम लोग यहाँ पे थ्री डॉट वाले पे क्लिक करेंगे थ्री डॉट वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने इस प्रकार से जो डिलीट का ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा तो आपको यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक कर देना है ठीक है और यहाँ पे आपसे कॉन्फर्मेशन पूछेगा तो आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आसानी से आपका जो भी बेनिफिशरी है वो डिलीट हो के आ जाएगा और इस प्रकार से सिंबल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपको एक बार यहाँ पर इस्क्रोल करेंगे यानी कि रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो भी ये लाभार्थी है वो यहाँ से डिलीट होके यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी रिफ़्रेशिंग कर रहा है जैसे ही रिफ्रेशिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग इस प्रकार से स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपका कोई भी बेनिफिशियरी यहाँ पे जिसको डिलीट किए हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी बेनिफिशियरी को पोषण ट्रेकर ऐप के पुराने वाले वर्जन में आके इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे अपना काम करने के बाद यानी जिस भी लाभार्थी को डिलीट करना है उसको डिलीट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे हमारा ओल्ड वर्जन है जैसे कि फिफ्टीन पॉइंट टू पॉइंट वन इस ओल्ड वर्जन को फिर से हमें अन इंस्टॉल करना है जैसे कि यहाँ पे हम इसको अन इंस्टॉल कर देते हैं ठीक है ये पुराना वाला वर्जन है अब यहाँ पर हम लोग को नए वाले वर्जन पर काम करना है तो यहाँ पे हमने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है और जैसे कि इस नए वाले अपडेट को आके प्ले स्टोर में से उसको डाउनलोड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये यह ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ से अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो आपका सेवनटीन पॉइंट वन पॉइंट वन वाला ही वर्जन आप लोगों का इंस्टॉल होके आएगा तो इसके लिए करना क्या है जैसे कि मैंने आपको जो दूसरा लिंक बताया यानी कि जो दूसरा आप लोगों को ऐप डाउनलोड करके रखना है वो 18.0 का यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है इसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 18.0 का जो ये न्यू वर्जन है उसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है उसको अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो सिंपली हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो हमने 18.0 का जो न्यू वर्जन डाउनलोड किया है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे इंस्टॉल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू वर्जन है जिसपे आप लोग पहले काम करते थे एटीन पॉइंट जीरो का जो नया डैशबोर्ड है उस पर आप लोग फिर से यहाँ पर आसानी से काम कर पाएंगे तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 18.0 का जो ये न्यू वर्ज़न है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ओपन वाले पे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर और एम पिन होगा फिर से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉग कर लेना है यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है तो फिर से यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पे नीचे में हमारा वर्जन चेक कर सकते हैं ये 18.0 का वर्जन है अब हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे लॉग इन वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 18.0 पॉइंट जीरो का जो ये न्यू वर्ज़न है यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है तो किसी भी बेनिफिशरी को अगर आपको डिलीट करना है तो आप लोग पुराने वाले वर्जन को डाउनलोड करेंगे यानी फिफ्टीन पॉइंट टू पॉइंट वन का जो वर्जन है पुराना वाला वर्जन उसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आप लोग काम करके फिर से आप लोगों का जो यहाँ पे एटीन पॉइंट जीरो का अपडेट है उस पर आ जाएंगे इन दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है डाउनलोड करने का जहाँ से आप लोग आसानी से उसको डाउनलोड करके आप लोग काम कर सकते हैं अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए इस वीडियो में आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद